नंबर 14 पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेमी लंबी है, इसके कोनों पर -2, -3, -4 व -5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव बताओ। देखो बच्चों, कल इसी तरह से सवाल हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में इसी तरह के सवाल लगाए हुए हैं, जो कि जो है वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करने की थी। लेकिन जो इसके पहले वाली सवाल थी, क्वेश्चन नंबर 13 जो था, उसमें जो है वर्ग के प्रत्येक कोनों पर समान आवेश रखा था। अब की बार जो सवाल है इसमें वर्ग के प्रत्येक कोनों पर असमान आवेश, अलग अलग परिमाण के आवेश रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझाते हुए चल रहे हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेमी है। आप लोग शायद ज्योमेट्री पढ़े हो तो वर्ग के बारे में जानते होंगे। A figure enclosed by four equal sides which each angles are 90 degree are called square. एक ऐसी आकृति जो चार तरफ से बंद हो और सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, उसे ही हम वर्ग समझते हैं। तो यहां पर देखिए जरा, एक वर्ग की भौकाली फोटो बना दे रहे हैं। ये हमारा जो है वर्ग है, जो चारों तरफ से समान भुजा से बंद है और इसका हर कोण जो है 90 डिग्री है। ये वर्ग ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। तो हर भुजा 60 सेंटीमीटर, ये और ये 60 सेंटीमीटर लंबी है हर भुजा। और कह रहा है बच्चों कि इसके कोने पर -2, -3, -4 व -5 मौसी के आवेश रखे हैं। तो -2 म्यूसी इस कोने पर रखा है और 3 म्यूसी इस कोने पर रखा है। हर कोने पर आवेश रखे हैं अलग अलग परिमाण के, असमान परिमाण के। -4 म्यूसी सी वाले पर रखा है और 5 म्यूसी का आवेश डी वाले कोने पर रखा है। और इस तरह से वर्ग के प्रत्येक कोने पर अलग अलग परिमाण के आवेश रखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है वर्ग के केंद्र पर विभव बताओ। आपको कल ही क्लास में समझाए थे कि वर्ग का केंद्र क्या होता है। किसी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो समान परिमाण के होते, समान लंबाई के होते हैं और समकोण पर सम विभाजित होते हैं। जहां कटते हैं अभिलंबवत कटते हैं, दो बराबर भागों में बटते हैं, और जहां कटते हैं उसी बिंदु को हम वर्ग का केंद्र कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ एनी स्क्वायर इज नोन एज सेंटर ऑफ दैट स्क्वायर। किसी वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु वर्ग का केंद्र कहलाता है। तो यहां पर बच्चों एक विकर्ण हमारा जो है बीडी है। विकर्ण का मतलब आमने सामने के वर्टिसेस को मिलाने वाली रेखा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण। तो यहां पर एक विकर्ण जो है चुपके से एसी, दूसरा विकर्ण जो है बीडी, दोनों कट रहे हैं ओ पर, और ये जो ओ है यही केंद्र है, यही पर हमें विभव बताना है। जैसा कि आप जान रहे हो कि ये और ये बराबर होगा, ये और ये सब बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर सम विभाजित होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो ये जितना ये वाला विकर्ण है उतना ये वाला विकर्ण है, आधा आधा कट गया। OA यहां से यहां तक, OC, OB और OD सब बराबर होते हैं, और मान लिया ये सब DR के बराबर है, ये ऐसे सब आर आर है, और सब जो है पूरे विकर्ण का आधा है। विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु है। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2, और ये नीचे दो लिखा रह गया। भुजा है 60 सेमी माने 0.60 मीटर, √2/2। प्यारे बच्चों ये आर आर की वैल्यू आ गई। हमको वर्ग के केंद्र पर विभव बताना है। ध्यान दीजिएगा, विभव हमेशा आवेश के कारण उत्पन्न होता है। हियर आर चार आवेश धरे हैं शीर्ष पर, तो ये वाला आवेश भी यहाँ विभव बनाएगा, ये वाला आवेश भी विभव बनाएगा, ये वाला आवेश भी विभव बनाएगा, और ये वाला आवेश भी विभव बनाएगा।
ठीक है, सभी आवेशों के कारण विभव बनेगा। तो अब बच्चों इस आवेश कारण विभव, इस आवेश कारण विभव, इस आवेश कारण विभव, इस आवेश कारण विभव चिन्ह सहित जोड़ दे तो परिणामी विभव आ जाएगा। देखिए जरा, वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव V, सारे आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का जोड़ V at A, V at B, V at C, V at D। विभव का सूत्र आप लोग जानते हो, 9×10^9 Q upon R, यही होता है ना, 9×10^9 Q upon R। तो यहां गौर से देखिए, 9×10^9 कॉमन कर दे रहे हैं, कू अपान आर हर जगह लिख दे रहे हैं। तो यहां वाला कू कितना है, -2×10^-6/R प्लस, सब में 9×10^9 पहले कॉमन लेके बाहर करके लिख रहे हैं। यहां देखो 3×10^-6/R, सी वाले पर देखो जरा गौर से, सी वाले पे होगा -4×10^-6/R, और डी वाले पे इसी तरह से सबका जो है जोड़ जा दे रहे चिन्ह सही, प्लस डी वाले पर 5 है, 5×10^-6/R। ये ऐसे हमने जो है सब ऐसे लिख दिया, उधर लिखते ना दिखता इसलिए ऐसे लिख दिए। तो अब यहां पर गौर से देखिए जरा, सबको हल कर लेते हैं। तो ये V बराबर 9×10^9, R भी सब में कॉमन है और 10^-6 भी कॉमन है। अंदर क्या बचेगा अपने आप देखिए, -2 बचा, +3 बचा, -4 बचा, +5 बचा। और बेटा इसका कैलकुलेशन इकट्ठा करके जोड़ जाड़ दे तो ध्यान से देखो, 9×10^9, 9 में 6 गए 3, आर का मान ये आया हुआ है 0.60√2/2, और यहां ब्रेकेट में प्लस वाला जोड़ दो, 5×3 8, 4×2 6, 8 में 6 गए 2। ये 2 बेटा ऊपर गया, 2×2 36 36/√2/3, √2×10^3। गौर फरमाइएगा, इसको अगर हम 6 पकड़ लें, 6×36 6/√2, ये 10^3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10^4, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ऊपर 6√2 नीचे 2 3 √2 × 10^4 बोल्ट। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा जो है, केंद्र पर विभव आ गया। 15, दो बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E AB के समांतर A से B की दिशा में क्रियाशील है, जबकि E बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम है, +10^-6 कूलाम आवेश का कण A से B की ओर AB के अनुदिश ले जाया जाता है, बताओ आवेश पर कितना बल लगा है, विभवांतर VA-VB क्या है, आवेश पर वेक्टर E द्वारा किया गया कार्य बताओ। तो बहुत सारी चीजें पूछ रहा है बेटा और बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा चित्र उत्र का वर्णन करते हुए लगेगा, ध्यान दीजिएगा। सवालें थोड़ा जब बड़ी होती हैं तो ज्यादा नहीं लग पाती है, 2 ही 3 सवाल लग पाते हैं पीरियड में, तो सवालें बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर है, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर है, दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ए बी के समांतर बी की ए से बी की दिशा में है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई ए से बी की दिशा में है, ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम। प्यारे बच्चों जो जो दिया है राइट कर दे रहे हैं, अपने आप जो अज्ञात पद है पूछ रहा है जो आएगा ध्यान दीजिएगा,
दस घात माइनस छह गुलाम आवेश ए से बी की ओर ले जाया जाता है। कोई एक आवेश है प्लस दस घात माइनस छह गुलाम ए से बी की ओर, यहां पर ए से बी की ओर आवेश को ले जाया जाता है। ओके, बताओ आवेश पर कितना बल लगा। पहला घटक छोटे छोटे पार्ट में है, अपने आप आ जाएगा आवेश पर बल। सभी बच्चे हमारा ध्यान देंगे, आपको बताए हुए हैं, इधर ध्यान दीजिए कि अगर कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर वैद्युत बल या बराबर Q इंटू E लगता है। यहाँ बल या बराबर तुरंत सूत्र लग गया Q इंटू E। और बच्चों Q का मान पता है और E का मान पता है, तो गौर से देखो Q का मान है 10 घात माइनस 6, E का मान है 200, गुणा करेंगे 2 गुणे 10 घात माइनस 4 न्यूटन। ये एक आंसर आ गया, बल आ गया, वैद्युत बल उस आवेश पर कितना लग रहा है ये हमको पता लग गया। अभी इसमें पूछ रहा है बेटा दूसरा पार्ट, विभवांतर VA माइनस VB। दूसरा पार्ट देखिए, विभवांतर VA माइनस VB, अगर ये पूछ रहा है VA माइनस VB तो हम परिभाषा आपको पढ़ाए हैं कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, किसी भी आवेश को ए से बी तक ले जाने हेतु किया गया कार्य और आवेश का अनुपात कहलाता है विभवांतर। तो विभवांतर VA माइनस VB पूछ रहा है अगर बच्चों, तो विभवांतर यहाँ ए से बी तक आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य और बटे खुद आवेश। और यहाँ देखो आवेश जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल यह पता लगा चुके हैं विस्थापन यहाँ से यहाँ तक ए बी, और क्यों ऐसा लिखा रहने दिए, वैल्यू रखे बेटा, कैलकुलेशन करे आंसर आएगा। तो बल का मतलब है 2 गुणे 10 की घात माइनस 4, ए बी का मतलब यहां से यहां तक 2 सेमी, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 घात माइनस 2 मीटर, तो यहां 2 गुणे 10 घात माइनस 2 मीटर कर दिए। और ये आवेश क्यू, आवेश क्यू का मतलब बच्चों दिया हुआ है 10 घात माइनस 6 कूलाम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का कैलकुलेशन तेज है, 2 दूनी 4 होता है और ये 4 2 6 और 6 कट गया, तो ये 4 जो है बोल्ट का विभवांतर आ गया, माने ए से बी तक का विभवांतर 4 बोल्ट आ गया। आवेश अगर ए से बी तक ले जाया जाता है तो आ विभवांतर 4 बोल्ट आ गया। अभी पूछ रहा है तीसरा पार्ट, किया गया कार्य तीसरा आवेश पर कृत कार्य। अभी अभी बच्चों अपने कार्य का सूत्र आपको बताया था, W बराबर बल गुणे बल की दिशा में, बल यहां पर ऑलरेडी आ चुका है 2 गुणे 10 घात माइनस 4 और विस्थापन ये ए से बी तक की वैल्यू 2 गुणे 10 घात माइनस 2 है, हल करने पर 4 गुणे 10 घात माइनस 6 जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ रहा है। संलग्न क्षेत्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई वाले भुजा के वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं, यदि वर्ग के कोणों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E है, तो बताओ बिंदु O पर वैद्युत विभव 1 माइक्रो कूलम आवेश को O से E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। प्यारे बच्चों जो जो दिया है चित्र बना करके आपके सामने हम अच्छे से खूबसूरती के साथ लिख दे रहे हैं, और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके, इसलिए क्लियर हो जाना चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले वर्ग वाला एक सवाल लगवाए थे, जिसे ना समझ में आया हो इसमें समझ लीजिए, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक वर्ग है ABCD जिस पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश सारे कोणों पर रखे हैं। देखो बेटा फोटो बना के क्वेश्चन में दिया है, जैसे फोटो बनी है वैसे फोटो बना दे रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम बराबर भुजा अंदाज के बना रहे हैं, वर्ग बन गया है। अब ए और बी पर 0.1 कूलाम का आवेश रखा है प्लस प्लस में,
+0.1 कूलाम का आवेश रखा है। गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, और सेल दोनों पर -1 कूलाम का आवेश रखा है। ए बी सी डी चारों कोनों पर आवेश जो दिए हैं रखा हुआ है। 1 मीटर लंबाई की भुजा का वर्ग है, इसकी भुजा है 1-1 मीटर की है। अब इस तरह से 3-4 क्वेश्चन हो गया, आप सभी को रट जाना चाहिए। वर्ग के विकर्ण अगर मिलाए, बी डी 1 विकर्ण होगा और दूसरा विकर्ण ए सी होगा, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु ओ होगा, ये दूरियां आर आर बराबर होगी। और क्वेश्चन में एक खूबसूरत बात और कहा है बी सी का मध्य बिंदु ई है, फोटो बनाया है, बी सी का मध्य बिंदु ई है। अब इसमें जो जो पूछ रहा है निकालेंगे, उसके पहले हम आर निकाल दे रहे हैं आपके सामने। आर बराबर वही होगा जो ओ ए है, जो ओ बी है, जो ओ सी है, जो ओ डी है, और जो विकर्ण का आधा है। और आगे बढ़े, विकर्ण जो है भुजा √2 होता है, वर्ग √2/2, तो ये हमारा √2/2 आ गया आर की वैल्यू। कह रहा है वर्ग के केंद्र पर विभव का मान बताइए। इसमें दो खंड पूछ रहा है बेटा, बिंदु ओ पर विभव, तो पहले विभव निकालते हैं। गौर से देखिएगा, बिंदु ओ पर विभव, बिंदु ओ पर विभव, आप लोग देख रहे हो बेटा, इन सभी आवेशों के कारण विभव का योग BA+BB+BC+BD। मेरी हार्दिक इच्छा है कि सबका मान रख दे। याद करो भयानक काली रात, जब हमने मान बताया था सबका, BA 9×10^9 × आवेश है 0.1/2 आर। फिर BB वही लंतरानी 9×10^9 आवेश बटे दूरी। गौर फरमाइएगा, सी पर जो है आवेश माइनस में माइनस पहले लगा देता ही, 9×10^9.1 आगे बढ़ें, फिर यहां माइनस है 9×10^9 0.1/r। और बच्चों ये हम सब हल कर लेंगे तो हमारे पास वैद्युत विभव इस वर्ग के केंद्र पर आ जाएगा। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है आप लोगों को कि ये बेचारा इससे कट जाएगा और ये बेचारा इससे कट जाएगा। कुल मिला के मामला डाट डाट फुलिस्टा, टोटल विभव वर्ग के केंद्र पे शून्य आ जाए, कछु विभव नहीं मिलेगा यहाँ वर्ग के केंद्र पर। इस प्रकार की व्यवस्था के अनुसार वर्ग के केंद्र पर कोई विभव नहीं मिलेगा, यहाँ पर विभव शून्य होगा। तो इस तरह से यहाँ जो है शून्य विभव प्राप्त हुआ। एक पार्ट इसमें और पूछा है, भगवान का नाम लेकर के उसको भी हम ईमानदारी से लगा लीजिए। कह रहा है कि एक कूलाम आवेश को ओ से ई तक ले जाने के लिए कार्य बताओ। चुप्पे वाली बात देखो, यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने के लिए कार्य बड़ा फिक्स लगता रहनी है। आवेश को 0.1 कूलाम आवेश को ओ से ई तक लाने हेतु टोटल कार्य, यकीन करो मेरा आज तुम लोग जो है सभी लोग ध्यान देना और मेरी बातों पर यकीन करना, यहां बिंदुओं पर विभव कितना है? शून्य। अभी कुलकुलेट किए थे, यहां पर विभव 0 आ गया था। और बच्चों यहां बिंदु ई पर कोई आवेश ही नहीं रखा है, तो इसलिए यहां पर विभव शून्य। या वैसे अगर इस आवेश का विभव निकाले और इस आवेश का विभव निकाले, तो यहां से प्लस में विभव आएगा, यहां से माइनस में, तो ई पर विभव क्या आएगा? शून्य। तो ना तो ओ पे विभव है ना तो ई पे विभव है, हमका ओ से ई तक मोड़े प्लाट के आवेश ले जाए का है, स्थिति जो ऊर्जा निकाले का है माने कार्य निकाले का है। कार्य बराबर सूत्र होता विभवांतर गुणे आवेश, कार्य बराबर का सूत्र होता, तो अगर हिया और हिया के विभवांतर निकाला तो शून्य माइनस शून्य शून्य आ जाए, और आवेश से गुणा हो पर शून्य हो गया।
ऐसा लगा दिखा दे भाई, कार बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। गौर फरमाइएगा, ओ पे विभवांतर, ओ पे विभव माइनस ई पे विभव गुणे आवेश, दोनों जगह जीरो जीरो विभव है, हल करत तो जीरो, ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा, एक समबाह त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रो कूलम के आवेश स्वाय में रखे हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोनों से दूरी 18 सेमी है, परिणामी वैद्युत विभव बताओ। देखो बच्चों, सवाल तो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन क्वेश्चन ने आपको उलझाने के बजाय आपके लिए सवाल ये सरल कर दिया, इसने क्वेश्चन को सरल कर दिया आपके सुविधा के लिए। सरल कैसे कर दिया, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक संवाद त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, कोई संवाद त्रिभुज दिया, क्वेश्चन इजी क्यों कर दिया बता रहा हूं। एक संवाद त्रिभुज है ये ऐसे, संवाद त्रिभुज मतलब बच्चों जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज, और 250 माइक्रो कूलम का आवेश यहां हर कोने पर प्लस 250 म्यूसी का आवेश रखा है हर कोने पर। क्वेश्चन कह रहा था कि त्रिभुज के परिकेंद्र पर विभव बताओ, तो यहां परिकेंद्र का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज में तीन तरह के केंद्र होते हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र। अगर त्रिभुज की मध्यिकाएं जहां पर कटती है उसे हम जो है गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र कहते हैं, और त्रिभुज के जो है गोल अर्धक जहां कटते हैं उन्हें हम जो है अंतः केंद्र कहते हैं, और शीर्ष लंब जहां कटते हैं उसे हम जो है लंब केंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, यही सब होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि इसके परिकेंद्र, परिकेंद्र मान लेते हैं ऐसे ओ है, इस आवेश की दूरी ओ ए, इस आवेश दूरी ओ बी, परिकेंद्र से इस आवेश दूरी ओ सी। सरल इसलिए कह रहे हैं क्वेश्चन कर दिया क्योंकि इसमें कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोनों से दूरी 18 सेमी, इस केंद्र की यहां से यहां से यहां से दूरी क्वेश्चन वाले खुद दे दिया, मतलब ये दूरी अगर आर हो, प्रश्न दे दिया है 18 सेमी, तो ये आर का मान आपको निकालना नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दिया, इसलिए सवाल सरल हो गई, अदरवाइज कठिन रहती। आवेश क्यों दिया है 250 मौसी, तो 250 मौसी का मतलब 250 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलम, आर दिया है 18 सेंटीमीटर, 18 गुणे 10 घात माइनस 2 मीटर। अब बेटा इसलिए ओ पर विभव, परिणामी विभव, अब एकदम सरल हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए जरा, ओ पर विभव एकदम सरल, ए पर रखे आवेश के कारण विभव, बी पर रखे आवेश के कारण विभव, सी पर रखे आवेश के कारण विभव, जोड़ दे परिणामी विभव आ जाएगा। विभव का फार्मूला 9 गुणे 10 घात 9 आवेश क्यू बटे आर, अब यहाँ भी आवेश क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, आर आर भी हर जगह बराबर है, तो 9 गुणे 10 घात 9 क्यू बटे आर, 9 गुणे 10 घात 9 क्यू बटे आर। गौर फरमाइएगा, एक बार दो बार तीन बार, तो 3 गुणे 9 गुणे 10 घात 9 क्यू बटे आर, मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा, इजी तो है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा बच्चा पार्टी, 3 × 9 = 27 गुणे 10 घात 9, आवेश क्यू की वैल्यू 250 गुणे 10 घात माइनस 6, आर की वैल्यू 18 गुणे 10 की घात माइनस 2। कैलकुलेशन अपना अपना कैलकुलेशन का तरीका होता है, बदतमीजी वाली बात नहीं, 9 × 18 = 27 होता है, 2 से भाग दोगे तो 125 बार जाएगा, 125 से 375 हो जाएगा, 10 की घात इकट्ठा कर लो, 9 × 2 = 11 = 5, अब 2 × 1 पे दशमलव लगा दिया 7, 3.75 वोल्ट उत्तर आ गया, 3.75 वोल्ट आंसर आ गया। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं,
एक तार को क्वेश्चन नंबर 18 10 से भी त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव बताओ। तो देखो बेटा बहुत ही इजी प्रश्न है, छोटंका सवाल है, छोटंका है, लगा दे रहे ध्यान दीजिए। एक तार को 10 सेमी त्रिज्या में मोड़ दिया, त्रिज्या दिया है 10 सेमी, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर, और कह रहा है कि इसे 250 माइक्रोकुलाम का आवेश देते हैं, तो आवेश दिया है 250 माइक्रोकुलाम माने 250 गुणे 10 घात माइनस 6 जो इसके पूरे परिधि पर या तार पर फैल जाता है। तो विभव बताना, विभव का सूत्र आप जानते हो, आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 क्यू अपाना क्यू है आर है, उत्तर हो जाएगा इजी है ना, छोटा का सवाल है, 9 गुणे 10 घात 9 क्यू का जगह 250 गुणे 10 घात माइनस 6 आर की जगह 10 गुणे 10 घात माइनस 2। प्यार से देखो 10 से ये जीरो कट गया, 25 नवाइया 225 देखे राज्य ऋण दो ऊपर का ना 2 11 11 में से आ गए 2 अंक दशम लगाए जाए 5 2 7 बोलते ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहा हूँ, प्लस 10 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव बताओ। प्रश्न नंबर 19 ध्यान सुनिएगा बच्चों, कह रहा है प्लस 10 माइक्रोकुलाम व माइनस 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। देखो बेटा एक बिंदु ए है प्लस 10 माइक्रोकुलाम और इससे 1 मीटर की दूरी पर माइनस 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश दिया हुआ है और इनके मध्य बिंदु पर विभव बताना है। ये दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, मध्य बिंदु सी पर विभव बताना है। बहुत ही सरल सवाल है, अगर ये पूरा आर माने 1 मीटर तो ये हो जाएगा आर बटा दो, ये भी हो जाएगा आर बटा दो, मध्य बिंदु का मतलब आधा आधा वाला बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु सी पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु सी पर विभव, प्यारे बच्चों इस आवेश के कारण विभव वी ए और इस आवेश के कारण विभव वी बी। विभव का सूत्र होता है 9 गुणे 10 घात 9 आवेश बटे दूरी, आवेश है 10 म्यूसी, 10 गुणे 10 घात माइनस 6 बटे दूरी है आर बटा 2। यहाँ आवेश ऋण में अतिरिक्त पहले लिख दे रहे हैं, 9 गुणे 10 घात 9 आवेश है 10 गुणे 10 घात माइनस 6 दूरी आर बटा 2, दोनों बराबर टर्म है, कट कर 0 आ गए, तो विभव हमारा मध्य बिंदु सी पर